चिकन बिरयानी बनाने के लिए लिए हमने एक फुल चिकन जिसको हमने काट लिया है, और ये है तीन, भिगो दिया है कम से कम आधा घंटा, और ये है सात प्याज जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और ये है टमाटर और थोड़ी सी अदरक। टमाटर तकरीबन हमने आठ दाने लिए हैं यानी एट पीसेस, और ये है लहसुन जो कि हमने तकरीबन पांच क्लब्स लिए हैं यानी पांच जवे लिए हैं, और इसको हमने बस थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट लिया है। अब हमने आपका जो भी जो ऑयल आप यूज़ करती हैं उसमें आपने ये कटी हुई प्याज डाल दी, और इनको हम थोड़ा ब्राउन करेंगे। बस अब हमें इसको फ्राई करना है कि थोड़ी सी गोल्डन हो जाए प्याज, फिर हम मैं बताती हूँ इसके बाद आप क्या करना। देखिए अभी हमें प्याज ब्राउन करनी है, ये थोड़ी सी और ब्राउन होगी, फिर इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा पानी। अब ये हम इसमें लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा ऐसे सौते कर लिया, नाइस स्मेल, थोड़ा सा पानी, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। यह है बिरयानी मसाला जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पीस ली हैं। मैं इसमें अभी ये आलू बुखारे आपको नज़र आ रहे हैं, सिनेमन की स्टिक्स हैं दो तीन, और धनिया पाउडर है चार टीस्पून, दो टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च है दो टीस्पून, और अदरक लहसुन का थोड़ा सा वो है पाउडर, और क्या कहते हैं इसमें वो भी है नमक, आप हंसब जायका डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी सौंफ। ये सारे मसाले इसमें गए, अब हम इसको थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें थोड़े जो ये मसाले हमने डाले हैं हम इसको थोड़ा भून लेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें टमाटर और अदरक डालेंगे। अब चिकन भुन गई है, इसमें जाएंगे ये अदरक और टमाटर, यम्मी यम्मी जूस, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक देती हूँ कि टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब टमाटर भून गए अच्छी तरह, अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे तकरीबन चार टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पतीले में लेके थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ऐसे तकरीबन दो टेबलस्पून, पानी उबल गया, इसमें हम पहले दो टेबलस्पून नमक डाल देंगे, और फिर ये जो चावल थे ये हमने भिगोए हुए थे, अब इसका एक्स्ट्रा पानी हमने फेंक दिया, ये थोड़ा सा अगर आ रहे तो ये भी हम फेंक देंगे। ये देखें ये चावल अभी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए पाँच मिनट में, अब इसका पानी जो है वो हम फेंक देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी लेके हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया, लेट इट मेल्ट। अब ये बटर और पानी जब थोड़ा बॉईल हो जाएगा तो हम इसको प्याले में निकाल लेंगे, और फिर हम चावल डालेंगे, और फिर बिरयानी की जो ग्रेवी है वो डालेंगे लेयर्स में।
देखिए ये पानी और बटर दोनों बॉयल हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा चूल्हा हल्का करके निकाल लेंगे। अब हम इसमें लेयरिंग करेंगे। ये ग्रेवी जो बनाई है इसको भी अच्छे से डाल देंगे। ये अब हम डाल दें इसमें। थोड़े से हम बचा लेंगे आखिर में ऊपर डालने के लिए। अब ये देखें ढकने पे स्टीम आ गई है तो हम ढकना हटा के और जो बचा हुआ बटर था वो भी आ गया इसमें और इसके ढकने पे हम कपड़ा लगा के दम दे देंगे। चूल्हे को थोड़ा सा और हल्का कर देंगे फिर यम्मी यम्मी वेरी नाइस। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं आपका जिसके चाहे दिल चाहे रायता व्हाटएवर यू कैन जस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा निकालें यू कैन हैव इट विद एनीथिंग यू लाइक जो भी आपका दिल चाहे उसके साथ आ एंजॉय कीजिए। ये हमारी टेस्टी सी बिरयानी तैयार हो गई है। अब आप इसको रायता जिस चीज़ के साथ आप दिल चाहें सलाद उसके साथ खाइए। एंजॉय।